क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली है, परंतु आज आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? ऐसा प्रतीत होता है लक्ष्मण ने कोई सीख दी है। इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही है, मानो काली नागिन फुनकार रही हो। अरे हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। ये जो तू रो रही शगुन सायत, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी तुझे क्या उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी होगी, और भला मुझे कोई क्या कहेगा और क्या बोलेगा। सच्ची बात तो ये है कि आज रामचंद्र को छोड़कर यहाँ किसकी भलाई है जिसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं। तुम्हें तो कुछ विचार ही नहीं, तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम तो बस यही समझती हो कि महाराज मेरे वश में है। रानी जी, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। रानी रानी किस घोर नींद में हो, अब लोक चाल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनिचेरी कही, भरत मातु मुस्कान। काने खोरे और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए, और उसमें भी स्त्री, विशेष कर दासी। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। किसने तेरी मति मारी है, जो साफ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम होंगे जिस क्षण, धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। मंथरा, मैंने जो कुछ भी कहा है वह केवल तुझे शिक्षा देने के लिए ही कहा है। हाँ। और तुझ पर तो मुझे स्वप्न में भी क्रोध नहीं आया। मैं सत्य कहती हूँ, मंगल में शुभ दिन वही होगा जब तेरा कहना सच होगा, अर्थात राम को राज तिलक होगा। हाँ। तुम मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल होगा राम को राज तिलक, दासी दासी उपहार में हार ये ले। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना भूखी माल की है जीत राम की रानी जी, और हार तो भरत लाल की है। ओ दुष्टा, मौन हो जा। राजपाट की बातों में बोलने वाली तू कौन होती है? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखे हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वो दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। भरत सपत तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराओ, हरस समय विष में करसी कारण मोही सुना। मंथरा, तुझे भरत की सौगंध है, ऐसे हर्ष के समय में तू विषाद क्यों करती है? तू सत्य बता, सारे प्रपंच को छोड़ तू सत्य बात कहे। रानी जी, मेरी तो सारी आशाएं एक बार के कहने में ही पूरी हो गई, अब तो मैं कोई दूसरी जिह्वा लगाकर ही कहूंगी। हाय, मेरा ये अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो आपको अच्छी बात कहने पर भी बुरी ही प्रतीत होती है। परंतु जो कुछ भी मैंने कह दिया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ।
क्या गरज पड़ी ऐसी मुझको जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में राजा कोई हो मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया है इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। यदि तुम इस रन में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। देख ऐसे परवश जीवन पर क्यों पड़ा समझ पे पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। रानी जी मैं तो आपके भले की बात ही कहती हूँ, पर आप कुछ समझती ही नहीं। राम की माता बड़ी चतुर है, उसने समय रहते अपना सारा काम बना लिया है। और हाँ, जो महाराज ने भरत को ननिहाल भेजा है ये सब उसकी चालाकी है। क्या क्या ये कौशल्या की चालाकी है? तुझे मेरी सौगंध, स्पष्ट बात क्या है? का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। रानी जी अब भला मुझसे क्या पूछती हो, अपने भले बुरे की तो पशु पक्षी भी पहचान रखते हैं। 14 दिन हो गए आज अयोध्या को सजते और आपको खबर हो रही है आज, वो भी मुझसे। रानी जी मैं आपके राज्य में रहती हूँ, आपका नमक खाती हूँ, यदि कुछ भी झूठ बनाकर बोलूं तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया रानी जी तो आपके लिए विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। सुन मंथरा बात फूर तोरी, सुन मंथरा बात फूर तोरी, दाहिनी आँख नित भर कही मोरी, दाहिनी आँख नित भर कही मोरी। दिन प्रति देखो रात को सपने, कहना तो ही वही बस अपने कहना तो। दासी तू ठीक कहती है, मेरी नित्य प्रति दाहिनी आँख फड़कती है और रात को बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं। दासी तू सब सच कहती है, तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझे सीधी ने यह समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं दीवार कपट की तोड़ी है। दासी दासी तू जो कहेगी मैं वही करूंगी, मैं तेरे कहने पर अपने पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ, तू ही मुझे कोई उपाय बता बता। रानी जी जब से मैंने राज तिलक की बात सुनी है मुझे तो चैन ही नहीं पड़ता, न रात को नींद आती है न दिन में भूख लगती है। अच्छा एक उपाय बताती हूँ, आपको याद है आपने एक बार मुझे एक कथा सुनाई थी? कौन सी कथा? दुई बरदान भूप सन थाती जी, मांगहु आज जुड़ावहु छाती जी, सुतहि राज रामहि बनवासु, देहु लेहु सब स्वमति हुलासु जी, देहु ले। रानी जी महाराज पर आपके दो वरदान धरोहर हैं, आज उन दोनों वरदानों को महाराज से मांग क्यों नहीं लेती? पहले वर में भरत लाल को राज्य, और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों का वनवास। और हाँ ये दोनों वर तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा ले, और मांगना भी आज ही की रात को। यदि आज की रात बीत गई तो सारा बना बनाया का
काम बिगड़ जाएगा। क्या मजा लब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरअपराधी है, हे वन को 14 वर्ष बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। वाह रानी जी वाह, आई जब नाव किनारे पर तो जल्दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही क्यों आप कुल्हाड़ी पाँव में, समझा समझा के हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ उस कौशल्या सौतन से। समझ गई रानी जी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, और हाँ याद रखना, दोनों वर तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा ले। समझ गए रानी जी, राम को राज तिलक।